और ठंड का थर्ड डिग्री टॉर्चर। प्रदेश में कड़ाके की सर्दी का दौर जारी है। 5 शहरों में पारा माइनस में जहां पहुंचा है। माउंट आबू में 28 साल का रिकॉर्ड टूटा है। माउंट आबू में पारा -6 डिग्री दर्ज किया है। कई जिलों में कोहरे ने वाहनों की रफ्तार रोकी है। अगले 48 घंटे और कड़ाके की सर्दी का अलर्ट है। कई जिलों में स्कूलों में अब छुट्टियों को भी बढ़ा दिया गया है। 8 जनवरी से राहत मिलने के आसार बने हुए हैं, लेकिन 8 जनवरी तक ठंड का सितम जारी रहने वाला है। और देखिए, सबसे ज्यादा चर्चाओं में जो प्रदेश का जिला है वो है माउंट आबू, और वो इसलिए क्योंकि 28 साल का देखिए रिकॉर्ड यहां टूटा है। -6 डिग्री टेम्परेचर दर्ज किया है। इससे पहले जो रिकॉर्ड तोड़ने वाली सर्दी पड़ी थी वो 2019 में देखी गई थी, जब चाहे बात राजधानी जयपुर की जाए, 55 साल का रिकॉर्ड उस दौरान टूटा था। और माउंट आबू में भी उस वक्त पारा माइनस में दर्ज किया गया था, लेकिन इस बार जो रिकॉर्ड टूटा है वो 28 साल का रिकॉर्ड टूटा है। हालांकि अलर्ट लगातार जारी है, लेकिन अलर्ट के बीच एहतियात बरतना बेहद जरूरी। और चलिए, किस तरह की ठंड अब पड़ रही है प्रदेश में खासतौर पर या फिर पूरे ही भारत में, इसको जानकारी देने के लिए हमारे साथ सहयोगी जुड़े हैं। सबसे पहले दिल्ली से हमारे साथ आनंद जुड़े हैं, तो वहीं जयपुर से हमारे साथ भारत दीक्षित जुड़े हैं, और उदयपुर से हमारे साथ नारायण जुड़े हैं। सबसे पहले रुख करना चाहेंगे राजधानी दिल्ली का। आनंद, देखिए, जिस तरह से लगातार कहा गया था मौसम विभाग ने भी कि जो उत्तर भारत है यहां पर सबसे ज्यादा असर देखा जाएगा, तो दिल्ली की सर्दी की चर्चा हमेशा होती है। दिल्ली में किस तरह की ठंड है और वहां किस तरह का नजारा, और आज कैसा टेम्परेचर दिल्ली में? जी शिखा, बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली का तापमान इस वक्त 4 डिग्री सेल्सियस चल रहा है। तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि दिल्ली की हवा किसी पहाड़ या किसी बर्फीली हवा से कम नहीं है। बिल्कुल लगातार मौसम विभाग ने भी कहा था कि दिल्ली में आने वाले दिनों में ठंडी बढ़ जाएगी, और अब ठंडी का आलम कुछ इस कदर बढ़ चुका है कि वो धीरे धीरे दिल्ली वासियों की रफ्तार तक रोकने लगा है। अगर बात करें ठंडी के साथ साथ दिल्ली वासियों को कोहरे से तो आप निजात मिल चुकी है। देखिए, मैं मेरे पीछे इंडिया गेट है, दिल्ली की शान, दिल्ली की पहचान इंडिया गेट, मैं उसके सर्कल पे खड़ा हूं। आप देख सकते हैं सामने विजिबिलिटी अच्छी खासी है। लेकिन अगर बात करें एनसीआर की, जिसमें गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, शामली, गुरुग्राम, फरीदाबाद जैसे तमाम इलाके आते हैं, वहां विजिबिलिटी काफी कम है, फॉग की खबरें लगातार आ रही हैं। लेकिन अगर बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली को इस वक्त फॉग से निजात मिल चुकी है। लेकिन अभी एक इसके ठंडी के साथ साथ एक समस्या और उसके सामने खड़ी है, वो है एयर क्वालिटी इंडेक्स, जो लगातार दिल्ली इसमें अनहेल्दी रीजंस में बनी हुई है। मैं आपको बताऊं, दिल्ली के तमाम इलाकों से एयर क्वालिटी के जो डाटा आ रहे हैं वो बेहद ही खतरनाक है, और लगातार एयर क्वालिटी दिल्ली की लगातार गिरती चली जा रही है। तो आप समझ सकते हैं दिल्ली वासियों को दो दिक्कतों का सामना इस वक्त एक साथ करना पड़ रहा है। मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा दिल्ली के तमाम इलाकों में जहां एयर क्वालिटी के लेके बातें हो रही हैं। तो आप देख सकते हैं, आपकी नजरें जहां तक जाएंगी आपको बैगनी या लाल रंग का ही डाटा दिखेगा। आप देखिए लगातार ये जो डाटा आ रहा है ये ओखला का है, उसमें 1000 डीएस, तो ऐसे आप समझ सकते हैं एयर क्वालिटी को लेकर दिल्ली अभी भी संघर्ष कर रही है, जिसके बाद लगातार राजनीतिकरण इसका शुरू हो गया है। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी की सरकार पर निशाना साधा है, और जो पहले आम आदमी पार्टी सरकार ने वादा किया था कि दिल्ली को साफ और सुरक्षित हवा देंगे, लेकिन उसके बाद दिल्ली की हवा लगातार दूषित होती चली जा रही है। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, दिल्ली में आम आदमी की पार्टी की सरकार है, तो आप समझ सकते हैं राजनीतिकरण शुरू हो गया है, वार पलटवार शुरू हो गए हैं। लेकिन दिल्ली वासियों को इस वक्त दो एंगल, ठंडी और एयर क्वालिटी। आनंद, आप हमारे साथ बने रहिएगा। हमारे साथ सहयोगी भारत दीक्षित भी जयपुर से जुड़े हैं, पहले उनका ही रुख कर लेते हैं। भारत, राजधानी जयपुर से किस तरह की तस्वीरें, यहां किस तरह से कोहरे की चादर बिछी है, क्या आज भी विजिबिलिटी कम आपको नजर आ रही है, और आप कहां मौजूद हैं इस वक्त भारत? देखिए बिल्कुल सिखा, नए साल के साथ ही गुलाबी नगरी में अब ठंड का जो सितम है वो लगातार यहां पर जारी है। हालांकि आज की अगर बात करें
तो आज कोहरे से निजात तो यहाँ पर मिली है, लेकिन जिस प्रकार से जो गलन है, जो शीतलहर है, वो अभी भी बरकरार है। हालांकि सुबह के वक्त करीब 10 से 11 बजे के बाद जो धूप निकल कर आती है, उससे थोड़ी राहत यहाँ पर जयपुर वासियों के लिए देखी गई है। लेकिन फिलहाल की अगर बात करें तो जो टेम्परेचर है जयपुर का, वो लगभग करीब 5 के करीब यहाँ पर देखा जा रहा है। और आने वाले दिनों में जिस हिसाब से मौसम विभाग यहाँ पर कह रहा है कि आने वाले 2 दिनों में और तेज ठंड है, वो यहाँ पर पड़ सकती है। अगर जयपुर की बात करें और जयपुर के कई इलाकों की बात करें, तो यहाँ पर हाईवे के पास, दिल्ली रोड के पास जाए, तो विजिबिलिटी करीब 100 मीटर के करीब यहाँ पर देखे जा सकती है। फिलहाल इस वक्त में मानसरोवर मौजूद हूँ, जहाँ की तस्वीर आप देख सकते हैं कि विजिबिलिटी को लेकर थोड़ी राहत यहाँ पर मानसरोवर में देखी जा सकती है, क्योंकि जो कोहरा है वो बिल्कुल भी कई इलाकों में यहाँ पर नहीं देखा जा रहा, जिससे आमतौर पर जो यातायात है वो प्रभावित यहाँ पर नहीं हो रहा है, क्योंकि आमतौर पर ठंड में कोहरा ज्यादा बढ़ जाता है, ऐसे में जो विजिबिलिटी होती है वो बेहद कम हो जाती है और दुर्घटना की आशंका यहाँ पर बनी रहती है। देखिए, नए साल के साथ ही जयपुर गुलाबी नगरी में जो ठंड का सितम है वो लगातार यहाँ पर जारी है, जिसके चलते आप देख सकते हैं कि जिला कलेक्टर ने 2 दिन की अतिरिक्त छुट्टियां है वो यहाँ पर बढ़ा दी है। और आने वाले जिस दिनों में जिस हिसाब से मौसम विभाग यहाँ पर कह रहा है, तो उसको देखते हुए भी तमाम स्कूलों ने यहाँ पर तैयारी कर ली है कि किस प्रकार से ऑनलाइन मूड में यहाँ पर आया जाए। तो तमाम जो आसपास के जिले हैं, बात की जाए जोबनेर की, यहाँ पर बात की जाए फतेहपुर सीकरी की, बात की जाए जैसे कि आप बता रहे थे कि माउंट आबू में पारा -9 यहाँ पर चले गया, तो राजस्थान की अगर बात करें तो फिलहाल आने वाले दिनों में जो ठंड का सितम है वो और भी ज्यादा देखने को मिल सकता है। फिलहाल की राहत की बात यही है कि आज हालांकि मौसम सर्द है, हवा में थोड़ी गलन यहाँ पर देखी जा सकती है, लेकिन जो कोहरे की अगर बात करें तो कोहरा में थोड़ी यहाँ पर राहत है, जिससे जो रफ्तार है, जो गाड़ी को संख्या की जो रफ्तार है, उस पर थोड़ी सी यहाँ पर किसी प्रकार की कोई दुर्घटना की जो आशंका है वो फिलहाल यहाँ पर नहीं देखी जा रही है। बिल्कुल, भारत तस्वीरों में हम देख भी पा रहे हैं कि कोहरे से निजात, लेकिन जिस तरह से सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है वो भी अपने आप में सोचने की बात कि ठंड से कहीं ना कहीं जयपुर वासी बसते हुए नजर आ रहे हैं। भारत हमारे साथ बने रहेगा, हमारे साथ उदयपुर से नारायण भी जुड़े हुए हैं, पहले उन्हीं का रुख कर लेते हैं। नारायण, देखिए उदयपुर को लेकर के आपसे जानकारी चाहेंगे, किस तरह की ठंड उदयपुर में अक्सर देखी जाती है और क्या उदयपुर में भी जिस तरह से सर्दी पूरे प्रदेश में पड़ रही है, अब कुछ राहत जिला कलेक्टर ने दी है, वहां भी स्कूलों की छुट्टियों को बढ़ाया गया है। जी देखिए शिखा, उदयपुर में नववर्ष के बाद में कड़ाके की सर्दी ने कहर बरपाना शुरू कर दिया है, और इसी के तहत उदयपुर जिला कलेक्टर ने जो आज स्कूल खुलने वाले थे उनको भी, स्कूलों को बंद कर दिया गया है। 5 और 6 तारीख को स्कूल बंद कर दिए गए हैं और अब 9 तारीख को स्कूल खुलेंगे। बात अगर कोहरे की करें तो उदयपुर के जो जयसमंद और मेवल क्षेत्र का जो कैचमेंट एरिया है वहां पर अभी हाल फिलहाल में कोहरा है, लेकिन जो ऊपरी क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र है, वहां पर कोहरा छड़ चुका है। और लेकिन ठंड इतनी जबरदस्त है कि शीतलहर के कारण सर्द हवाओं ने लोगों को झकझोर दिया है। वहीं दूसरी बात करें कि बुजुर्ग लोग, जो उदयपुर के कई लेवों में ऐसा देखने को आया कि कार्डिक टेस्ट है जो बहुत ज्यादा बढ़ेगा, जैसे CBKMB, ट्रोपाई और जैसे LDS, ऐसे जो टेस्ट है अधिकतर लेवों में बढ़े हैं, क्योंकि 60 से ऊपर जो उम्र की जो बुजुर्ग लोग हैं उनको चेस्ट पेन होना ऐसा अब इन सर्द हवाओं के बाद में शुरू हो चुका है। जी सिका, बिल्कुल हमारे साथ बने रहेगा नारायण। हमारे साथ माउंट आबू से कमलेश प्रजापत भी जुड़े हैं। कमलेश, देखिए आपसे सबसे ज्यादा ये जानकारी रोचक, एक तरह से हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे कि 28 साल का माउंट आबू में रिकॉर्ड टूटा है, पारा -6 डिग्री हुआ है। इस 28 साल के जो रिकॉर्ड टूटने के पीछे की जो कहानी है और जो नजारा है, हम आपसे चाहेंगे कि आप साझा करें हमारे दर्शकों के साथ। कमलेश, देखिए शिखा, पिछले 28 सालों का रिकॉर्ड टूटा है और तापमापी का पारा -6 में कल जहां दर्ज हुआ था, तो 28 साल जो माउंट आबू में बीते हैं उन बीते सालों में इतना तापमान कभी नहीं गिरा। लेकिन जैसे ही 2023 की शुरुआत हुई तो सर्दी ने यहां पर अपनी रफ्तार पकड़ी थी और इस रफ्तार के चलते जो तापमापी का पारा है -6 तक पहुंचा था। आज नजारा यहां पर कुछ अलग नजर आ रहा है। आज जहां तापमापी का पारा जमाव बिंदु पर है तो कड़ाके की सर्दी का असर यहां पर देखा जा सकता है। सिखा, इस वक्त मैं माउंट आबू और आबू रोड जाने वाले मुख्य मार्ग पर हूं। देखिए यहां पर मार्ग सूना पड़ा हुआ है,
अभी तक सूर्य देव के यहाँ पर दर्शन नहीं हुए, तो कह सकते हैं कि और जो चहलकदमी है लोगों की, मात्र कुछ लोग यहाँ से घर से बाहर निकल रहे हैं, तो कह सकते हैं कि कड़ाके की सर्दी के बीच जो सर्दी का असर है वो देखा जा सकता है और लोग यहाँ पर निकले हैं। सर, कैसी सर्दी है आज माउंट आबू में? सर्दी तो बहुत है, लेकिन जो भी बाहर से आ रहे उनको ज्यादा लग रही है, यहाँ के निवासी उनको तो थोड़ी ठीक है, बाकी सर्दियों की ज्यादा धीरे धीरे रफ्तार पकड़ती जा रही है। कल कैसा नजारा था? कल यहाँ पर -6 टेम्परेचर था, और आज कैसा नजर आ रहा, कुछ डिफरेंस है? हाँ, डिफरेंस है। कल तो ज्यादा था, कल हवाएं चल रही थी, थोड़ी थोड़ी हवाएं चल रही थी, हवाओं की वजह से थोड़ा ज्यादा लग रहा था। आज भी है, लेकिन थोड़े जल्दी जीतते जल्दी उठते हैं, उतना जल्दी लगता है, धीरे सूर्य उदय होने के बाद कम हो जाता है। देखिए शिखा, ये जो घर से मॉर्निंग वॉक पर निकले हैं शख्स, इनका कहना है कि सर्दी तो है लेकिन यहाँ पर आज कल के मुकाबले कुछ अलग नजारा नजर आ रहा है। मेरे सहयोगी दीपक त्रिपाठी है, और इस वक्त जहाँ हम आबू रोड वाले जाने वाले मार्ग पर खड़े हैं, कुछ और यहाँ पर लोग हैं, इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि भैया मफलर जैकेट सब पहन रखा है, ठंड ज्यादा लग रही है? हाँ, ठंड तो लग रही है, भी ज्यादा। कल कैसा था, आज कैसा है? कल थोड़ी ज्यादा थी, आज थोड़ी कम है सर। कम है, कैसे? हाँ। बच रहे हैं आप लोग सर्दी से? जैकेट मफलर और पहन के सर बच रहे। घर में बुजुर्ग भी होंगे, उनको कैसे प्रिकॉशन कर रहे हैं? उनके लिए तो हीटर वगैरह की जरूरत पड़ेगी, कंपल्सरी पड़ रही है। तो देखिए शिखा, यहाँ पर जो ये लोग यहाँ से घर के बाहर निकल रहे हैं, खास करके जो कह सकते हैं कि जो दुपहिया वाहन चालक है, उन्हें कहीं न कहीं परेशानी का सामना करना पड़ता है। देखिए ये शख्स जो यहाँ से निकल रहे हैं, मफलर जैकेट तमाम चीजें यहाँ पर इन्होंने पहन रखी है। बाबूजी, एक्टिवा पे कोई परेशानी हो रही है सुबह निकलने में? अरे खूब ठंड लग रही है, खूब ठंड लग रही है, बहुत ठंड। कैसे बच रहे हैं ठंड से? जैकेट मफलर अलाव क्या क्या साधन अपना रहे हैं? पूरा पेर के रखा है तो भी ठंडी लग रही है। देखिए शिखा, ये जो दुपहिया वाहन चालक है, कहीं न कहीं इन्हें यहाँ पर आज परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि तापमान में यहाँ पर जो परिवर्तन हुआ है, तापमान परिवर्तन के बाद जो यहाँ के नजारे हैं वो अलग ही नजर आते हैं। जहाँ 28 साल का रिकॉर्ड कल यहाँ पर टूटता हुआ नजर आ रहा था और तापमापी का पारा -6 में था, तो आज यहाँ पर कुछ अलग नजर आ रहा है। मेरे सहयोगी दीपक है जो यहाँ का आसमान दिखाएंगे, आज यहाँ का आसमान बिल्कुल स्वच्छ नजर आ रहा है। जहाँ सुबह हल्के बादल होने की आशंका जो थी, लेकिन यहाँ पर अभी फिलहाल जो सूर्य देव के दर्शन नहीं हुए हैं, लेकिन आसमान यहाँ पर साफ है। जैसे ही सूर्य देव के यहाँ पर दर्शन होंगे तो नजारे अलग होंगे, क्योंकि सुबह जहाँ तापमापी का पारा जमा बिंदु पर है, तो वही जैसे ही सूरज के दर्शन होंगे उसके बाद यहाँ पर तापमान में हल्की वृद्धि होगी और दिन में गुनगुनी धूप का एहसास यहाँ पर देखने को मिलेगा। शिखा, कमलेश, बिल्कुल कोल्ड सिटी बना हुआ है माउंट आबू। आप हमारे साथ बने रहिएगा। हमारे साथ जयपुर से भारत दीक्षित भी लगातार बने हुए हैं। भारत, देखिए जहां कई सालों के रिकॉर्ड अब 2023 में प्रदेश के जिलों में टूट रहे हैं। राजधानी जयपुर की बात की जाए तो भारत 1905 में अभी तक जो है सबसे ज्यादा सर्दी पड़ी थी, -2.2 डिग्री राजधानी जयपुर में तापमान हुआ था। भारत मौसम विभाग फिलहाल क्या कह रहा है, किस तरह की सर्दी राजधानी जयपुर में आने वाले दिनों में पड़ सकती है, क्या रिकॉर्ड कोई यहां भी टूट सकता है, इसको लेकर क्या जानकारी भारत आपके पास? देखिए बिल्कुल शिखा, दिसंबर का एक महीना होता है जिसमें सबसे ज्यादा सर्दी पड़ने का अनुमान यहाँ पर रहता है, लेकिन जयपुर में ऐसा नहीं हुआ। जैसे ही दिसंबर गुजरा, नए साल की शुरुआत हुई, उसके बाद ही सर्दी ने अपना सितम यहाँ पे दिखाना शुरू किया। मौसम विभाग की अगर बात करें तो आने वाले एक सप्ताह के अंदर जिस प्रकार के जो ठंड के अनुमान फिलहाल लगाए जा रहे हैं, वो बेहद और भी ज्यादा यहाँ पर ठंड पड़ने वाली है। जैसे कि रिकॉर्ड तोड़ने की आज बात कह रही थी, तो पहले जयपुर के तापमान की अगर बात करें तो 7 और 8 के बीच यहाँ पर था, लेकिन फिलहाल मौजूदा आज अगर आज की बात करें तो तापमान 5 के यहाँ पर करीब है। तो जैसे जैसे सर्दी यहाँ पर बढ़ रही है, वैसे वैसे तापमान में यहाँ पर कमी आने वाली है, तो कहीं ये भी कह सकते हैं कि कई साल के जो रिकॉर्ड्स हैं वो यहाँ पर टूटने वाले हैं। लेकिन जयपुराइट सही करते हैं कि इससे ज्यादा ठंड नहीं पड़े तो बेहतर ही अच्छा होगा। इस वक्त हम मानसरोवर में जाकर तस्वीर आपको दिखाना चाहेंगे कि आमतौर पर सुबह के वक्त जो घूमने वाले होते हैं जयपुराइट, जो मॉर्निंग वॉक पर निकलते हैं, उनकी संख्या बेहद ज्यादा यहाँ पर नजर आती है। लेकिन आज ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं कि गिने चुने इक्के दुक्के जो लोग हैं वो सुबह के वक्त यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। इससे आप शिखा अंदाजा लगा सकते हैं कि सर्दी का जो लेवल है वो किस लेवल का है। देखिए कोहरा जयपुर में यहाँ पर नहीं है हालांकि, लेकिन जिस प्रकार से जो हवा में जो गलन है, ये सबसे बड़ी बात है कि जो गलन है वो बेहद जयपुर में यहाँ पर ज्यादा है, क्योंकि
दिन के वक्त जो सूर्यदेव के दर्शन यहाँ पर होते हैं तो उससे जयपुर आर्ट्स की कुछ राहत यहाँ पर मिलती है, और यही कारण है कि अभी भी करीब 7:15 का वक्त यहाँ पर हो चुका है लेकिन सड़कें पूरी तरह से सुनसान यहाँ पर नजर आ रही है। इसका यही कारण है कि सर्दी के वक्त लोग बाहर नहीं निकलना चाहते हैं, अपने घरों में रहकर अपने आप को सेफ यहाँ पर करना चाहते हैं, लेकिन जब 10 से 11 बजे का समय होगा जब सूर्य भगवान यहाँ पर निकलेंगे तो उसके बाद सड़कों पर काफी ट्रैफिक यहाँ पर देखने को मिलेगा। उसका यही कारण है कि सूरज जब निकलेंगे तो काफी राहत है वो यहाँ पर जयपुर हाइट्स के लिए धूप से यहाँ पर मिलने वाली है। तो आने वाले दिनों में जिस प्रकार से मौसम यहाँ पर करवट लेगा, ठंड और ज्यादा बढ़ेगी, तो ये सबसे ज्यादा डिफिकल्ट जयपुर हाइट्स के लिए यहाँ पर होगा, क्योंकि ठंड ज्यादा बढ़ेगी तो स्वाभाविक सी बात है जो टेम्परेचर है जयपुर का वो डाउन होगा, और कई सालों के जो रिकॉर्ड्स तोड़ने की बात थी तो हो सकता है आने वाले दिनों में कई साल के जो रिकॉर्ड्स हैं, जो पुराने रिकॉर्ड्स हैं, जैसे कि आप बता रही थी कि -2 डिग्री टेम्परेचर यहाँ पर हुआ, लेकिन उम्मीद यही करते हैं कि जयपुर में जो सर्दी का सितम है वो इतना नहीं रहे कि लोगों के लिए परेशानी का सबब यहाँ पर बन जाए। आमतौर पर कोहरा जब होता है तो दुर्घटनाएं ज्यादा होती हैं। भारत गलन भरी सर्दी से कहीं ना कहीं लोगों की सामान्य दिनचर्या में बदलाव हुआ है। हमारे साथ बने रहिएगा, उदयपुर से नारायण भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। नारायण, देखिए उदयपुर झीलों की नगरी है, लेकिन जब ठंड का सितम सबसे ज्यादा होता है तो जिस तरह से हमने देखा अमेरिका में भी जब बर्फीले तूफान का असर सबसे ज्यादा उन इलाकों में देखा गया जहां जो नदी के आसपास थे, लेकिन उदयपुर की तस्वीरें क्या कहती हैं? जब ठंड जब दस्तक देती है तो झीलों की नगरी में किस तरह से लोगों की दिनचर्या में बदलाव होता है, लोग कैसे बचाव करते हुए वहां नजर आते हैं, क्योंकि पर्यटक भी लगातार बड़ी संख्या में उदयपुर पहुंचते हैं। नारायण, जी देखिए उदयपुर एक पर्यटक शहर है जहाँ पे देश विदेश के जो पर्यटक हैं उदयपुर में आते हैं। वैसे ही मैं जिस जगह खड़ा हूँ ये है उदयपुर का सबसे ऊंचा जो हिल स्टेशन उमड़ा जो है वहाँ पे है। इस जगह अमूमन ये रोड जो है हमेशा भरी रहती है, जो सुबह से ही यहाँ पे वाहनों को आवाजाही रहती है, इंडस्ट्रीज एरिया है, लेकिन सुबह से इस मार्ग पे इक्का दुक्का वाहन जो चल रहे हैं, जिसकी वजह से न तो यहाँ पे पूरी सड़कें सुनसान हो गई है, हवा इतनी तेज चल रही है कि लेक सिटी में लोगों को धुजनी छुड़ा दी है, लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं और यहाँ पे मोटे कपड़े पहन के अपने बचाव कर रहे हैं। बात करें टेम्परेचर की तो उदयपुर में कल का जो टेम्परेचर रहा था 3.07 रहा था, वैसा के वैसा टेम्परेचर आज भी 3 पॉइंट से नीचे ही रहा है। जी सिका बिल्कुल नारायण, हमारे साथ बने रहिएगा। हमारे साथ माउंट आबू से कमलेश प्रजापत भी लगातार जुड़े हुए हैं। कमलेश, देखिए माउंट आबू की बात की जाए तो हम लगातार बात कर रहे थे बर्फिस्तान बनने की, तो रिकॉर्ड कई वहां के टूट रहे हैं, लेकिन कमलेश आपसे ये जानना चाहेंगे कि माउंट आबू में किस तरह से जो है लोग, जो आपने जैसे कि जानकारी भी लगातार जो कलेक्टर है वो स्कूलों के समय में बदलाव कर रहा है, माउंट आबू को लेकर के क्या जानकारी है, फिलहाल कितनी राहत वहां स्कूली बच्चों को दी गई है? कमलेश, देखिए शिखा, माउंट आबू के मौसम का मिजाज जब बदलता है तो यहाँ पर प्रशासन भी एक्टिव होता है। ऐसे में एक नजारा दिखाना चाहूंगा, एक बुजुर्ग है जो अपनी दैनिक जो क्रियाकलाप है उनको करने के लिए घर से बाहर निकलते हैं, लेकिन सर्दी का आलम इतना तेज है कि ये जो बुजुर्ग शख्स है वो यहाँ पर अपनी जो चाय की थड़ी है यहाँ पर बैठे हैं और कहीं ना कहीं सर्दी से बचने के लिए इन्होंने अलाव का सहारा लिया है। हम बात करने की कोशिश भी करेंगे। बाबू जी, आज कैसी ठंड पड़ रही है यहाँ पे? कैसी है ठंडी? बहुत ठंडी, बहुत ठंडी। कैसे आग जला करके जो टूट बैठे? आग जला के बैठे, बैठे। देखिए यहाँ पर ये जो दंपति है कहीं ना कहीं सर्दी से बचने के लिए यहाँ पर अलाव का सहारा भी लिया जा रहा है, तो कह सकते हैं कि जो मौसम का मिजाज बदलता है उस बदलते मिजाज के बाद जो यहाँ की तस्वीरें हैं वो अलग नजर आती है। ऐसे में खास करके जो स्कूली बच्चे होते हैं उन्हें काफी परेशानी होती है, लेकिन शिक्षा विभाग ने एक आदेश जारी करते हुए जो तमाम जिले के जो स्कूल्स हैं चाहे निजी हो या सरकारी उन सभी के प्रधानाचार्य को अधिकृत किया है कि आप जो उस शहर के जो मौसम का मिजाज है उस मौसम के मिजाज के अनुसार यहाँ पर उन्हें जो स्कूली बच्चे हैं उन्हें राहत देने के लिए अनुमति प्रदान की गई है। तो फिलहाल यहाँ पर बात करें माउंट आबू और सिरोही जिले की, तो सिरोही जिले में 2 दिन का अवकाश यहाँ पर घोषित किया गया है। 7 तारीख तक जो स्कूल है वे बंद रहेंगी, लेकिन शिक्षक जो तैनात है जिस स्कूल में वो वहां पर तैनात रहेंगे, लेकिन जो बच्चे हैं उन्हें कहीं ना कहीं राहत मिलती हुई नजर आ रही है। जी शिखा बिल्कुल, और चाय की चुस्कियां अलाव का सहारा भीषण सर्दी में कहीं ना कहीं मरहम का काम प्रदेशवासियों के लिए करता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी सहयोगी का हमारे साथ जुड़ने